नमस्कार दोस्तों, आपका पीएनजी न्यूज 24 में स्वागत है। तारीख 4 दिसंबर 2002 को अहमदाबाद में टी सीरीज कंपनी के आशीष भट्ट एंटी पायरेसी गवर्नमेंट ऑफिसर सीआईडी क्राइम सीएफसी सेल के साथ में लेकर गांधी फिल्म के मालिक बीरेन गांधी के खिलाफ कॉपीराइट के मुद्दे पर उनके स्टूडियो पर छापेमारी की। म्यूजिक से संबंधित बहुत सारे कंप्यूटर और सामग्री के साथ में अंदाजित रुपये 2,25,000 के सामग्री का जो है इनके यहाँ से जब्त किया गया है। आइए सुनते हैं टी सीरीज कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आशीष भट्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। आपनो नाम शू है? आशीष गौतम भाई भट्ट। आपने जॉब अने होद्दो शू है? टी सीरीज कंपनी में एंटी पायरेसी एक्जीक्यूटिव। आज जे कॉपीराइट नी रेड सेटेलाइट विस्तार में सीआईडी क्राइम सीएफसी सेल द्वारा जे करवामां आवी छे आप लोगों ने साथे राखीने, शू हकीकत छे एमां? जोधपुर गाम रोड पर आदित्य प्लाजा में आवेल गांधी फिल्म नामनी दुकान में अमारी कंपनी कंटेन्टनों परमिशन वगर वेपार थतो हतो। तेमनी माहिती अमने मळता अमे सीआईडी क्राइम गांधीनगर ने रजूआत करेली अने तेओने साथे राखीने आजे अमे त्यां आगळ कॉपीराइटनो केस करेलो। शुं पोलीस आमां शुं तपास करी रही छे अने कॉपीराइटनो जे मुद्दामाल पकड़ायो छे एनी किंमत शुं रही छे आमां? पोलीसे बे सीपीयू कब्जे करी अने मुद्दामालनी किंमत आश्रे थाय छे 2,25,000 પોલીસે કબજે કરીને સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનમાં આગળની કાર્યવાહી અત્યારે ચાલી રહી છે। આશીષભાઈ, આજે સ્ટુડિયો ઉપર જે કોપીરાઇટની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેનાથી શું આ પાયરસીનો દીકતો ધંધો બંધ થઈ જશે એવું આપને લાગે છે કે આ કાર્યવાહીથી કોઈ ફરક પડતો હોય અથવા તો આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીને કોઈ જાતનું નુકસાન થતું હોય તો એ વિશે આપ શું કહેવા માગો છો? ફોટોગ્રાફર મિત્રોને મારી એક જ વિનંતી છે કે જો આપ અમારી ટી સિરીઝ કંપનીના કન્ટેન્ટનો વેપાર કરતા હો તો લાયસન્સ લઈને કામ કરજો, બાકી કંપની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકે છે તમારી ઉપર।